सबसे पहले तो मैं मैम का थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं यहाँ आप सबके सामने बोल सकूँ. और मैं यहाँ के लोकल सिटीजन्स में से हूँ और मैं चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि ये यहाँ पे जो भी इन्होंने ठेका खोला हुआ है ये बंद हो जाए, क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं यहाँ पे शाम को लड़कियों को आने जाने में. इवन दिन के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में बहुत प्रॉब्लम रहती है. और वैसे भी मतलब जो भी ये इन्होंने जिस भी पर्पज़ के लिए ये ठेका खोला हुआ है ये बहुत गलत है. शराब पीना बहुत गलत होता है, इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती है लाइक कैंसर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी. और मैं यही चाहती हूँ कि ये बंद हो जाए, क्योंकि ये किसी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है. यहाँ पे जो होता हुआ है मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिल रही है कि इतना इजी इतना पास में ये खुला हुआ है तो सब आके यहाँ से ऐसे ले जाते हैं. तो मतलब मैं यहाँ पर प्रसिद्ध सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आए. साथ ही साथ मैं मैम का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ खड़े होकर बोलने का मौका दिया. और मेरा नाम रश्मि है और ये मेरा नाम प्राची है. हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं शराब के ठेके को बंद करवाने के लिए. मैं बताना चाहती हूँ जब से ये खुला है यहाँ का माहौल बहुत ख़राब हो चुका है. पहले हम वहाँ खड़े होकर 9-9 बजे तक बस का इंतज़ार कर सकते थे, पर अब हमें डर लगता है कि कहीं हमें आकर वहाँ कोई परेशान ना करे. पूरा माहौल ख़राब करके रखा है. इस रोड पर एक भी लाइट नहीं है, कोई अकेले जाने का यहाँ से पैदल जाने का मौका नहीं उठा सकता. और जब से ये ठेका खुला है तब से तो हम वहाँ स्टैंड पर खड़े होकर किसी बस का भी वेट नहीं कर सकते हैं. और तो और छोटे छोटे घरों का माहौल ख़राब करके रखा हुआ है. सब आकर यहाँ पर पिकेट टुन रहते हैं, हम यहाँ से निकल भी नहीं सकते पैदल. बहुत माहौल ख़राब किया है यहाँ पर. मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्द बंद हो जाए. और मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब कोई आके मुझे मौका दे कि मैं अपने विचार इसके ऊपर प्रकट करूँ. और मैं मैम को सच में बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया. मैं मैम का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आके हमें अवसर दिया कि हम जो यहाँ पे शराब का जो ठेका चल रहा है इसको बंद करवा सके. और अगर मैम आप ऐसे ही वर्क करते रहोगे तो मेरे को मैं पक्का श्योर हूँ कि ये बंद होएगा. और थैंक यू मैम आपके यहाँ आने के लिए. जो यहाँ के सिसोदिया जी हैं उन्होंने यहाँ पर लोगों को पानी की प्रबंध तो दी नहीं, लेकिन यहाँ पर लोगों को शराब पिला रहे हैं. मैं उनसे भी बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है उसे दूर करें. ऐसी सुविधाएं प्राप्त ना करें जिससे हमें ही नुकसान है.